आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। जायकों के इस शहर में आपका खैर मकदम है। जायका क्या कहूँ, इस वक्त हम मौजूद हैं भोलेनाथ की नगरी काशी में। काशी कह लीजिए, बनारस कह लीजिए या वाराणसी कह लीजिए, हम यहाँ पर आए हैं कुछ बेहतरीन नज़ारे देखने के लिए और जायके भी लेंगे साथ साथ यहाँ के कुछ। और हमारे साथ मौजूद है हमारे अली भाई। अली भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो अली भाई, इस वक्त हम कहाँ पर मौजूद हैं? हम इस वक्त हम लोग यहाँ पे चुरकिया घाट पे मौजूद हैं। अभी नया मतलब लॉन्च हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने मतलब इसका उद्घाटन किया था, अभी एक महीना हुआ है जी। तो वहीं पे हम लोग अभी फिलहाल हैं। तो अली भाई, इसके बाद हम लोग कहाँ पर जाएंगे? इसके बाद हम लोग आगे घाट जाएंगे। मसला ये है कि आगे घाट दशातिमिर घाट, अस्सी घाट, इस पर मतलब कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से मतलब बंद पड़ा हुआ, मतलब वहाँ पे जाने नहीं दे रहे हैं। तो आगे कोई घाट भी मतलब आगे घाट में जाएंगे, देखते हैं कौन कौन सा घाट आता है। चलिए, जब तक नज़ारा लेते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है इस घाट का, आपको दिख रहा होगा, हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे। एक बेहतरीन सी शुद्ध एकदम हवा हमको महसूस हो रही है। आइए देखते हैं, इस घाट का नज़ारा लेते हैं। ये राजघाट है। भाई, इस वक्त हम कहाँ पर मौजूद हैं? अरे, इस वक्त हम लोग तेलिया नाला घाट पे हैं जी। एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है। ये बनारस की पहचान यही है कि मतलब हिंदू मुसलमान जो भी हैं, दोनों भाइयों में भाईचारा मिला हुआ है, दोनों मिल के रहते हैं। घाट पे मस्जिद भी है, मंदिर भी है। मंदिर में जो है अपना स्नान करते, पूजा पाठ करते हैं, मस्जिद में नमाज होती है, दोनों आदमी मिल के रहते हैं, कभी किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं रहता है। तो भाई देखिए, यही पहचान है मतलब बनारस की, और यही पहचान है यहाँ की खुशबूदार हवाओं की, कि आज भी यहाँ पर लोग, चाहे वो राम हो चाहे वो रहीम हो, मिलकर रहते हैं। और उसके बाद ये मतलब शाम में जैसे मतलब यहाँ पे बैठने में बड़ा सुकून मिलता है, जैसे कुछ फीलिंग सुकून की आती है ना, तो यहाँ पे बैठने में सुकून बहुत मिलता है। जैसे अगर से आदमी का मतलब थोड़ा सा माइंड गड़बड़ा गया है तो यहाँ पर बैठने में बहुत सुकून मिलता है। किसी तरह की कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आके आधी घंटा बैठ जाते हैं लोग, तो गंगा मैया की कृपा से आदमी का दिमाग एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। तो भाई बहुत हमें खुद बहुत अच्छा लग रहा है अली भाई यहाँ पर, और यहाँ के नज़ारा। हमारी ट्रेन लेट हो गई, वरना तकरीबन हम पहुँचने वाले यहाँ सुबह 3 बजे थे, लेकिन हमारी ट्रेन पहुँची लगभग 9 बजे, तो काफ़ी कहे 5-6 घंटे लेट थी। सुबह का नज़ारा हम खुद यहाँ पर देखना चाहते थे कि काफ़ी, जैसे कि हम तो लखनऊ के हैं, अवध की शाम और बनारस की सुबह मशहूर है, और वही ऑफर जो खुश नसीबी थी वो छूट गई। आगे भी कभी ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर बनारस आएंगे और ज़रूर वो नज़ारे देखेंगे। जी, अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। मंदिर है जी, बाबा विश्वनाथ का मंदिर है जी। यहाँ बिना दर्शन किए यहाँ वालों को चैन नहीं होता है जी। हर मंगलवार को, हर शनिवार को सभी लोग अपना अपना घर मकान दुकान बंद करके दर्शन करने जाते हैं। तो और कुछ खासियत बताइए बनारस के बारे में या इस घाट के बारे में। गंगा माँ है, इनके जल को लोग आचमन भी करते हैं, नहाते भी हैं, सब उपयोग किया जाता है इनका। यही मालवीय पुल है जो जोड़ा हुआ है यूपी बिहार और हर प्रांत को, लोग आते जाते हैं इसी पुल के रास्ते से। आम प्रसिद्ध है, आम आम तो इस वक्त तो मौसम नहीं है आम का, लेकिन बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है। साड़ी हाँ। लेकिन ऐसा कोई पकवान, कोई जायका जो मशहूर हो, जो खरीब में हो, मैं ले सकूँ, अपने व्यूअर्स को दिखा चुकूँ, क्योंकि हमारा लखनऊ मिक्स चैनल है, फूड व्लॉगिंग का चैनल है हमारा। तो बनारस आने का मकसद हमारा ये है के बनारस के घाट वगैरह और बनारस के कुछ जायके जो यहाँ पर, कचौड़ी कचौड़ी जलेबी यहाँ मिलता है सुबह में मिलेगा, इस वक्त नहीं मिलेगा। तो कोई ऐसा जायका नहीं है जो हम ले पाए इस वक्त। एक चाय की शॉप
काफी मशहूर है यहाँ पर चाय और पान। पान तो अभी हम जायका लेंगे क्योंकि पान तो बनारस आए और पान न खाएं जी। लौंगलता मिलेगा, लौंगलता हाँ यहाँ का फेमस आम का हाँ लौंगलता ये हमारे बनारस को फेमस आम का नाश्ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम लौंगलता भी जरूर खाएंगे। और हर हलवाई की दुकान में मिल जाता है? नहीं नहीं, कई बहुत जगह नहीं मिलता, हालांकि आप कुछ कम उसका मीटर हो गया, लेकिन अच्छा हमारे बनारस को सुबह का पूरी जिलेबी जी, कचौरी पूरी जी जिलेबी, और शाम को लौंगलता। लौंगलता हमारा पुराना यहाँ का, तो हमें पंडित जी ने बताया कि लौंगलता, लौंगलते का जायका जरूर हम लेंगे। एकदम लीजिए हमारे बनारस का, पेट भर जाएगा जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। बनारस के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बनारस देखिए, बनारस बहुत मीठी जुबान है यहाँ की। यहाँ जो भी देश विदेश से आदमी आते हैं बनारस में आकर के, बनारस उसको अपने सांचे में ढाल लेता है और वो उसी में घुल मिल करके रहते हैं। और यहाँ पे ना कोई भेदभाव है ना कोई वो है, यहाँ पे भाईचारा ऐसा बना है कि एक साइड मस्जिद है दूसरी तरफ मंदिर है, और यहाँ पे सारे सिस्टम जो है तो सारे प्रजा के लोग यहाँ पे रहते हैं, कोई यहाँ भेदभाव नहीं रहता। यहाँ पर बहुत अच्छी सिचुएशन दी जाती है, मोहब्बत यहाँ बहुत ज़्यादा है, गाली भी यहाँ देते हैं तो बहुत प्यार से देते हैं कि अगला रिसीव करने वाला भी वो समझता है कि यहाँ इन्होंने मेरे को मोहब्बत की गालियाँ दी हैं। भाई क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बहुत खूब। बनारस के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? कि हम बनारस के बारे में ये कहना चाहते हैं कि यहाँ की जो संविधा है जी, वो बहुत अच्छी है और काफी सुंदर है जी। तो यहाँ की सुभा भी तो मशहूर है ही है जी जी। लेकिन यहाँ खाने पीने की चीज काफी अच्छी है, सबसे बेहतरीन तो यहाँ का बनारसी पान। पान तो भाई देखिए पूरे दुनिया में मशहूर है बनारस का, और काफी गाने आने वगैरह भी इस पर बन चुके हैं, और अभी हम जाएंगे, हो सकता है हम पान का जायका भी जरूर लें। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर बोलने के लिए। ठीक है, अगर आप इस यहाँ का पान नहीं खाएंगे समझ लीजिए कि आपने बनारस का कोई सामान ही नहीं खाया जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम जायका जरूर लेंगे पान का जायका लीजिएगा, इसलिए कि इसका जो स्वाद है ना बनारसी स्वाद, ये दोबारा कहीं आपको मिलेगा नहीं। यहाँ का जो पान है ठीक, पान खाइएगा हमारी तरफ से, यही आपसे इल्तिजा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों बनारस का मशहूर लौंगलता हमें मिल गया और अंकल हमें दे रहे हैं, तो जायका लेकर जरूर बताएंगे कि किस तरह का जायका है। अली भाई आपने खाया इससे पहले? हाँ इससे पहले हम बहुत खाए हैं, ये सबसे फेमस है, तो बहुत अच्छा है। हम भी जायका लेकर जरूर बताएंगे कि लौंगलता कैसा है। तो दोस्तों बनारस का मशहूर लौंगलता जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे सामने मेरे हाथ में है, और हम भी जायका लेकर बताएंगे किस तरह का लौंगलता है, क्योंकि बनारस की काफी मशहूर है। कई लोगों ने बताया कि अगर आप बनारस आए हैं तो देख लिए काफी हैवी है, काफी भारी भरकम है, मात्र 10 रुपए का है ये, और आपका पेट भर जाएगा अगर आप दो खा लेंगे तो, यानी 20 रुपए में आपका पेट फुल हो जाएगा लौंगलता खाकर। नाला आप आ सकते हैं यहाँ पर, और अंकल से मिल सकते हैं और जायका ले सकते हैं। तो दोस्तों यह है लौंगलता जो काफी बनारस में मशहूर है, आप अगर बनारस आइए तो लौंगलता जरूर खाइए। हम लखनऊ के हैं, लखनऊ में जैसे कि मीठा समोसा मिलता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि समोसा भी मीठा होता है, लेकिन हमारे लखनऊ में मीठा समोसा मिलता है, उसी की शबाइयत है ये लौंगलता, काफी जायकेदार है। और ये हमारे अंकल हैं, और आप यहाँ पर जरूर आइएगा, इनको मौका जरूर दीजिएगा। अंकल बहुत शुक्रिया आपका। तो अली भाई अब हम कहाँ पर आ गए? अरे हम मोकिंगगंज में अभी आए हैं जी, और यहाँ पे कॉफी इनका बहुत फेमस है, ये बनारस के टॉप के कॉफी। अंकल कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है। तो दोस्तों आपने कॉफी तो कई बार पी होगी, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि कुल्हड़ में कॉफी मिल रही है, तो जायका लेकर देखेंगे किस तरह की कॉफी बना रहे हैं अली भाई। कॉफी बहुत फेमस है, पूरे मोकिंगगंज में नंबर एक की कॉफी बेचते हैं ये। तो बिल्कुल आपकी तारीफें सुनकर जायका लेने का बिल्कुल बनता है, जायका जरूर लेकर देखेंगे कि अंकल जी की कॉफी किस तरह की है। अरे कॉफी की दो तरह की होती है, सादी कॉफी है, एक बटर कॉफी। बटर कॉफी में जो इनकी जो खासियत है, आज तक पूरे बनारस में हम कॉफी पी लें मगर इनके जैसा जायका नहीं मिला हमें। तो बिल्कुल अब अंदर से ख्वाहिशें बढ़ती चली जा रही हैं कि अंकल की कॉफी का मजा जरूर लें। अंकल जल्दी से कॉफी बनाइए हमारे लिए, एक या दो बनाइए, हम पियेंगे अली भाई पियेंगे।
दोस्तों हमारी बटर कॉफी बन रही है। बटर कॉफी अंकल ने कहा कि आप अगर आप बनारस आए हैं पहली बार और हमारी शॉप पर पहली बार आए हैं तो हम आपके कुछ अलग तरीके की कॉफी पिलाते हैं, बटर कॉफी। तो मैंने कहा अंकल से, अंकल चलिए बनाइए पीकर देखते हैं आपकी बटर कॉफी। अंकल कॉफी बना रहे हैं, कॉफी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी काफ़ी गूंज। अब तो और तलब बढ़ती जा रही है कि किस तरह से कॉफी मिल जाए। तो भाई साहब हमारी कॉफी तैयार हो गई है, जायका लेकर बताते हैं आपको किस तरह की कॉफी है इनकी। तो यकीन मानिए अलग सी एक महक अंदर पहुंची कि लग रहा है एक अलग तरीके की कॉफी है। आप यहाँ पर जब भी आए, चाय मुकीनगंज तेली का नाला मुकीनगंज आप आए कभी भी, अंकल यहीं पर आपको मिल जाएंगे। बनारस की कुल्हड़ वाली कॉफी बहुत ही जायकेदार है, बटर वाली कॉफी आप इनकी पिएंगे बहुत ही मजा आएगा। वाह क्या बात है अंकल, बहुत बेहतरीन कॉफी बनाई आपने। आप लोग यहाँ पर जरूर आइएगा और हमारे अंकल को मौका जरूर दीजिए। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार गुप्ता। संतोष कुमार गुप्ता जी, संतोष कुमार गुप्ता जी कितनी पुरानी दुकान है आपकी ये? 50 साल। देखिए बनारस की बहुत ही पुरानी और मशहूर दुकान हमें मिल गई है। और ये गेहूँ है तो इसका क्या बना रहे हैं आप? ये भूंज रहे हैं। अच्छा भूंज रहे हैं, और क्या क्या भूंजते हैं आप? सारा आइटम, जैसे मूंगफली, चना, लैया, चना, चावल। और देखिए एकदम कितनी एकदम फ्रेश आपको एकदम दिख रहा होगा गेहूँ भूजा जा रहा है यहाँ पर। और आइए आप यहाँ पर अपने मेरे भाई को एक बार मौका दीजिए और इनका भी जायका जरूर लीजिए बनारस में आकर। आप अपना एड्रेस बता दीजिए। ये वाराणसी में पालाद घाट एरिया पड़ता है। तालाब पालाद घाट, पालाद घाट। हाँ तो बस आप लोग यहाँ पर आ जाइए और अगर आप लोग बनारस में कहीं पर टहल रहे हैं और ताज़ा और फ्रेश एकदम अगर भूजी हुई चीज़ें मूंगफली या चने वगैरह खाना चाहते हैं तो भाई से जरूर संपर्क करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बनारस आए थे एक शादी में अपने दोस्त की और उसी बहाने हमने बनारस में कुछ घाट वगैरह भी घूमे, कुछ जायके भी अली भाई ने भी करवाए और इस शादी का भी जायका हम लेंगे। आपको दिखाते हैं किस तरीके के खाने बनारस में शादियों वगैरह में होते हैं। अली भाई ये क्या है? चिकन अचारी। देखिए बहुत ही खूबसूरत शिरमाल, दिल टाइप की है, काफ़ी छोटी है, तिल वगैरह लगे हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत सी लग रही है। देखते हैं जिस तरह से दिख रही है उस तरह उसका जायका भी है या नहीं। शिरमाल कहते हैं हमारे लखनऊ में भी शिरमाल होती है, लाल होती है, वो भी शायद कभी कभी मीठी पे बनवाता है लेकिन ये भी थोड़ी मीठी है, जायका थोड़ा अलग है, मीठा नहीं है, अलग जायका है। ये देखिए शिरमाल है, हल्की सी मीठी है, जैसे कि इसमें आपको मिठास दूध वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है। जायका बहुत ही अच्छा है और अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अली भाई को हमारे गाँव में याद रखिएगा, बहुत अच्छे इंसान है और बनारस के जायकों से, बनारस के लोगों से जहाँ तक हो सका वहाँ तक इन्हें एंजॉय करवाया। एंजॉय करते हैं अपने खाने का, आप एंजॉय करिए हमारी वीडियो। दोस्तों बनारस आए और बनारस का मशहूर पान ना खाएं तो बात कुछ अधूरी सी होगी। तो अंकल एक पान लगाइए हमारे लिए आप। अंकल क्या नाम है आपका? भानु। भानु जी, भानु जी तो ये कौन सा पान लगा रहे हैं आप? मगही। मगही, मगही। तो भानु जी मगही पान लगा रहे हैं, देखते हैं बनारस का ये मगही पान खाकर किस तरह का पान है ये। तो खाकर देखते हैं बनारसी पान जो काफी मशहूर है।
वाकई मैंने पहली बार बनारसी पान खाया। बनारसी पान का मजा कुछ अलग टाइप का होता है। कुछ कत्थे में कुछ अलग चीज मिलाते हैं आप लोग? ये कत्थे पानी की बात अलग है यहाँ की। कत्थे में मिलता है, सेल टेबल मिलता है। कुछ कत्थे में भी कुछ अलग बात है, कुछ बनारस के पानी पानी की बात ऐसी है कि पान और यहाँ का कत्था है या फ्लेवर है वो अलग तरीके का होता है। बहुत अच्छा पान है। थैंक यू अंकल। इस वक्त हम बैठे हुए हैं गंगा जी पर, एक बोट खड़ी हुई है, काफ़ी बड़ी बोट है ये और तकरीबन छोटा मोटा शिप टाइप का समझ लीजिए। बोटिंग तो हम करते हैं लेकिन इस वक्त बोटिंग वगैरह नहीं हो रही है ज़्यादा, और कुछ लोग मना कर रहे हैं क्योंकि तकरीबन चार साढ़े चार बज रहा है और बोटिंग नहीं करवा पा रहे और लेकिन यकीन मानिए काफ़ी सुकून मिल रहा है यहाँ पर आकर। और इस वक्त हम जो जिस घाट पर हैं वो तकरीबन पाँचवा या छठा घाट है यहाँ पर, और इसी तरीके से 80 घाट हैं और कोविड के कारण सारे घाटों को बंद किया हुआ है और कुछ घाटों पर तो काम चल रहा है इस वक्त, इस वजह से हम लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको घाट दिखा सकें और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। और अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा करने का। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बहुत जल्द मुलाकात होगी कहीं और, किसी और जगह, किसी और बेहतरीन नज़ारों के साथ, किसी और बेहतरीन जायकों के साथ। जय हिंद।